पानीपत शहर से गंदगी हटाने और सुंदर बनाने के लिए निगम ने एक नई योजना बनाई है, जिसमें शहर की सरकारी इमारतों की दीवारों पर पेंटिंग कराई जा रही है। ये पेंटिंग साधारण पेंटिंग नहीं है, इसमें सजीव रचनाओं का चित्रण कराया जा रहा है, जिसे कुशल चित्रकार एवं वास्तुकार बना रहे हैं। इससे दीवारों के आसपास गंदगी डालने वाले लोग भी सचेत होंगे और शहर की खूबसूरती भी बढ़ेगी। निगम ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया है, जिसमें सबसे पहले लाल बत्ती चौक से लेकर लघु सचिवालय तक और स्काईलार्क से बस स्टैंड तक जीटी रोड पर बने सरकारी भवनों की दीवारों को पेंट किया जा रहा है। साथ साथ पार्क आदि की दीवारों पर भी कलाकारी की जा रही है। इसी रास्ते पर आने वाले बिजली के खंभों पर भी सजीव रचनाएं उकेरी जाएंगी। इसके बाद शहर की बाकी सरकारी इमारतों को पेंट किया जाएगा। इस काम पर 38.89 लाख रुपए खर्च होंगे। अधिकारियों का कहना है कि अब तक इस प्रकार के पेंटिंग केवल अयोध्या और दिल्ली जैसे शहरों में ही देखने को मिलती है, लेकिन शहर की सजीव रचनाओं उनसे अद्भुत बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। वहीं पेंटिंग बना रहे कलाकार के भी सुनते हैं उनका क्या कुछ कहना है। सर, ये जो है सिर्फ हमारी संस्कृति के लिए है, हमारी संस्कृति से जिंदा होती है। और दूसरा ये है, यहाँ कूड़ा करकट डालते हैं ताकि लोगों को जो है जागरूकता पैदा हो के यहाँ गंदा ना करें। और ये जो है हमारी जो पेंटिंगें हैं, ये जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ वहाँ बनेंगी। और लोग बाग कूड़ा डालते हैं उसके लिए भी बनाते हैं। पानीपत को स्वच्छ बनाना है, सिर्फ यही है। मैं तो काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ सर, 99 से कर रहा हूँ। तो ये सर पानीपत के जितने भी धार्मिक स्थल सारी जगह बनेंगे? जी हाँ सर, ये सभी जगह बनेंगे। निगम अधिकारियों ने बताया है कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जीटी रोड को कवर करने के बाद निगम हाली पार्क, शिवाजी स्टेडियम, शहर में पानी के ट्यूबवेल के कमरे और अन्य सरकारी इमारतों को भी इसी तर्ज पर पेंट करवाया जाएगा। हर जगह सुंदर लाइव कलाकृतियां उकेरी जाएंगी। इससे इन दीवारों के आसपास सफाई भी रहेगी और शहर की सुंदरता भी बढ़ेगी। स्काईलार्क से बस स्टैंड तक पूरी दीवार सरकारी है। ये पूरी दीवार शहर की सबसे सुंदर दीवारों में से एक होगी। ये नगर निगम बनवा रहा है पानीपत वाले। क्यों बनवा रहा है? यही कि लोग जो है यहाँ पे गंदा करते हैं, कूड़ा डालते हैं, बाथरूम करते हैं, ताकि इनको देख के जो है लोगों को समझ आए कि भाई यहाँ धार्मिक, ये पार्क भी है। एक पार्क सौंदर्यकरण के लिए होता है, लोगों को घूमने के लिए होता है, लोग इसको गंदा करते हैं, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सौंदर्यकरण के लिए हो रही है ताकि आगे से लोग जो है यहाँ कूड़ा करकट ना डालें और यहाँ इसको गंदा ना करें, टॉयलेट वगैरह ना करें। तो आप ये काम कितने सालों से कर रहे हैं? मेरे को ये हो गए 35 के लगभग, 35 साल हो गए। लाल बत्ती से दमकल केंद्र और सचिवालय के आसपास का एरिया भी सुंदर और स्वच्छ होगा। निगम द्वारा की गई इस पहल को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।